आप सबको नमस्कार। दिल्ली में कोरोना की स्थिति के मद्देनज़र कुछ अहम निर्णय लिए गए हैं। पहला तो ये कि कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले दिल्ली में कोरोना की स्थिति में जब सुधार हुआ था तो दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देशों को मद्देनज़र रखते हुए और जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस थी उसके मुताबिक दिल्ली में शादियों में 50 से बढ़ा के 200 तक की संख्या अलाउ की थी कि 200 तक लोगों के शामिल होना अलाउ किया गया था। उस ऑर्डर को विड्रॉ करने के लिए आज निर्णय लिया गया है कि 200 से वापस 50 लोगों को, शादियों में केवल 200 से 50 लोग अलाउड होंगे। और ये निर्णय मैंने LG साहब की अप्रूवल के लिए अभी सुबह सुबह भेजा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी जल्दी अप्रूवल आ जाएगी। दूसरा, हमने देखा कि कुछ बाज़ारों में दिवाली के समय काफ़ी ज़्यादा ना तो लोग मास्क पहन रहे थे ना सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से कोरोना बहुत ज़्यादा फैला। तो एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने पिछली बार जो गाइडलाइंस जारी किए थे उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी राज्य सरकार अगर किसी भी लोकल लेवल पे, छोटे लेवल पे भी अगर कहीं कोई लॉकडाउन लगाना चाहती है तो उसे केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक जनरल प्रस्ताव केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है कि अगर कहीं पे, अब दिवाली ख़त्म हो गई है, हम उम्मीद करते हैं कि बाज़ारों के अंदर जो इतनी ज़्यादा भीड़ थी वो भीड़ कम हो जाएगी और हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाज़ार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाज़ार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। ऐसा प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। इसके लिए भी मैंने LG साहब की परमिशन के लिए अभी लिख दिया है। हम सब लोग, आप देख रहे हैं कि किस तरह से सारी सरकारें मिलके कोरोना की स्थिति को काबू करने की कोशिश कर रही हैं। केंद्र सरकार का मैं खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में केंद्र सरकार ने दिल्ली वालों की मदद की है। और सबसे बड़ी मदद है कि जो उन्होंने 750 ICU बेड्स और जल्द से जल्द बढ़ाने का उन्होंने आश्वासन दिया है, इससे सबसे ज़्यादा हमें लाभ होगा। क्योंकि इस वक्त बाकी सारी, मैं एसेस कर रहा था, बाकी सारी बेड्स अभी हैं, सफिशिएंट हैं। कुछ अस्पतालों में, जो सबसे बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं उन अस्पतालों को छोड़ दें तो अन्य कई सारे सरकारी अस्पतालों में भी हैं और कई सारे प्राइवेट अस्पतालों में भी बेड्स की स्थिति ठीक ठाक है। लेकिन ICU बेड्स कम होते जा रहे थे, ICU बेड्स की संख्या लगातार कम होती जा रही थी। और मैं इसके लिए केंद्र सरकार ने आगे बढ़ के हमें, मैंने एक हफ्ते पहले चिट्ठी भी लिखी थी केंद्र सरकार को कि हमें तुरंत ICU बेड्स चाहिए और केंद्र सरकार ने इसको सकारात्मक तौर पे हमारे को वो किया। इसके लिए मैं पर्टिकुलरली शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वक्त सारी सरकारें, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, सारी एजेंसीज, DRDO, ICMR, सब एम्स वगैरह, सब लोग मिलके पूरी कोशिश कर रहे हैं, डबल एफर्ट्स कर रहे हैं अपने कोरोना की स्थिति को काबू पाने के लिए। लेकिन ये तब तक नहीं ठीक हो सकती जब तक हम सब लोग, आप जब तक एहतियात नहीं बरतेंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप, ये कोई किसी और के लिए नहीं मांग रहे, आप ही के लिए, आप ही के स्वास्थ्य के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके परिवार के लिए आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क ज़रूर 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 पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर ज़रूर कीजिए। कई लोगों को लगता है मुझे तो नहीं होगा, पड़ोसी को हुआ मुझे नहीं होगा, ये किसी को नहीं देखता कोरोना, ना गरीब को देखता, ना अमीर को देखता, ना इसको देखता, ना उसको देखता, किसी को भी कभी भी हो सकता है और अगर बिगड़ जाए तो ख़तरनाक हो सकता है। तो फिर से मैं हाथ जोड़ के सबसे अपील करता हूँ कि आप प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
सोशल डिस्टेंसिंग की का पालन कीजिए और मास्क ज़रूर से पहनिए। नमस्कार।